बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज साथियों हम जो टॉपर्स नोट्स है आरएस के, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इन नोट्स में साथियों आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाला हूं। सबसे पहले साथियों इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर साथियों प्रत्येक टॉपिक को विस्तार के साथ दिया गया है और कितने टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो भी साथियों यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। ये तो रही साथियों किसके बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास टॉपर्स नोट्स आरए से संबंधित। तो ये जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो के रिव्यू में जो मैं करने जा रहा हूं। अब साथियों इससे पहले अगर आपके पास में ल्यूसेंट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप में से ल्यूसेंट किसके पास है। अब साथियों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं, ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास आरएस के टॉपर्स नोट्स। तो इसका रिव्यू देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। ये है साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। कौन सी है, एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। इसका रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। विश्व का इतिहास महेश कुमार वर्णवाल, किरण पब्लिकेशन भारतीय इतिहास। उसके बाद में साथियों एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इतिहास के पूरे एमसीक्यूज इसमें मिलेंगे आपको। दृष्टि आईएएस की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित 2300 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं। एमसीक्यूज काफ़ी विस्तार के साथ दिए गए हैं साथियों। अगर इसके साथ में आपको किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो दिशा पब्लिकेशन की ये जो 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं, 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों ये, इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी समझ सकते हो। उसके बाद में साथियों कला एवं संस्कृति से संबंधित दृष्टि आईएएस की ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका रिव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आईएएस के टॉपर्स नोट्स है, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहास के टॉपिक दिए गए हैं उनकी जानकारी पाने के लिए भी साथियों आप क्या करना है, आपको कमेंट जरूर करना है। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देख सकते हो आधुनिक विश्व का इतिहास, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है। इतिहास से संबंधित आपको इस गाइड का भी सहारा लेना चाहिए पढ़ने के लिए। ये है साथियों आईएएस के टॉपर्स नोट्स, इसमें भी आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जितने भी नोट्स मैं दिखा रहा हूँ साथियों इनमें कुछ प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, कुछ मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है, तो कुछ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसलिए साथियों इन नोट्स का भी रिव्यू आप ज़रूर हमारे चैनल पर देख लीजिए। अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये गाइड है, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में साथियों राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह है राजस्थान का इतिहास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति और इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको ये डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल मालिक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसकी भाषा शैली बहुत ही आसान तरीके से इसमें समझाया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए भी साथियों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। विपिन चंद्र जो कि साथियों आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। टाइम मैनेजमेंट के लिए साथियों मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। जब तक आप समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में सफलता आपको नहीं मिल सकती। इसलिए किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए जो आईएएस के नोट्स है उनको मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और ये है राजस्थान स्टेट पीसीएस आरएस के लिए, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे वो मैं जानकारी देने वाला हूँ। आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद साथियों आप देखेंगे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वेद काल
और उसके बाद में साथियों उत्तर वैदिक काल है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और उसके बाद में साथियों कुछ धर्म है, प्रमुख धर्म जिनके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। उसके बाद में 16 महाजनपद के बारे में इस गाइड के अंदर दिया गया है। विदेशी आक्रमण, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है इस गाइड में। मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, मंदिर स्थापत्य कला, इसके बारे में भी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलने वाली है। अगर साथियों आप इंडियन पॉलिटी का रिव्यू देखना चाहते हो बुक का, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग पुस्तकों के रिव्यू मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटी के हो या फिर ज्योग्राफी से संबंधित हो या फिर इतिहास से संबंधित हो या इकोनॉमी से संबंधित हो, सब पुस्तक का रिव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें साथियों सबसे पहले इस्लाम के बारे में जानकारी लेंगे आप, तुर्की जो आक्रमण है तुर्क का, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। भारत पर अरबों का जो आक्रमण है उसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दी गई साथियों, मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कृषि आंदोलन, सिख धर्म और मराठा के बारे में पूरी जानकारी आपको इनमें मिल जाएगी। अब साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और बाकी दूसरे जो भाई बहन आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी यार दोस्त को आप जानते हो, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए। उसके बाद में साथियों एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं, वो है विवा की। ये पुस्तक एनसीईआरटी से संबंधित ही है, इसको भी आप क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और सामान्य अध्ययन की ये पुस्तक अगर आपके पास में है, जो कि साथियों मनोहर पांडे की अरियन पब्लिकेशन की, इस पुस्तक का रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। काफ़ी बड़ी पुस्तक है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विस्तार के साथ प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।